हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूँ और कैनाइन में भी मैं वेल्जियन मेलानॉइज ब्रीड करता हूँ, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं मेलानॉइज पे काम कर रहा हूँ। आज मैं मेलानॉइज के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वेल्जियन मेलानॉइज से और क्या इमेज हमारे माइंड में वेल्जियन मेलानॉइज को लेके बनी हुई है और हमने इस ब्रीड को क्या बना दिया है। अगर हम मेलानॉइज के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि काटने फाड़ने वाला कुत्ता, या कहीं चढ़ गया, बहुत ऊपर छलांग लगा रहा है, या इसी तरह के। अगर हम यूट्यूब पे या कहीं भी गूगल पे कहीं भी मेलानॉइज के बारे में सर्च करते हैं तो हमें मोस्टली इसी तरह के वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, ये भी सही है, बट इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम इसको सिर्फ एक पार्ट को हम मेलानॉइज के देखते हैं, हम दूसरे पार्ट को इसको कभी नहीं देख रहे हैं। और मोस्टली ब्रीडर भी जो इसको प्रमोट करते हैं या जो इसको दिखाते हैं, वो इसी तरह से दिखा रहे हैं कि बस एक कुत्ता आया और उसने काटना स्टार्ट कर दिया, बाइट पकड़ के फाड़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर वो उसने कहीं जंप करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। या फिर हमें हमारे माइंड में ये इमेज बना दी कि मेलानॉइज हमने रखना है तो हमें तभी रखना है तब हम ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको काटना सिखा दें, फाड़ना सिखा दें या जंप करना, ये चीज़ें सिखाएं। आप उसको अपने साथ उसकी बॉन्डिंग कैसे बनाएं, ट्रेनिंग का मतलब ये भी होता है। आपका डॉग आपको कितना समझता है, आप अपने डॉग को कितना समझते हैं, वो उसके साथ आप डॉग के साथ रहें तब आपको पता लगेगा, वो भी एक ट्रेनिंग का मतलब होता है। आप उसके साथ घूमने जा रहे हैं, आप उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो भी एक उसका मतलब होता है ट्रेनिंग का, कि आप कैसे उसको अपने साथ रख रहे हैं। या आप अपने डॉग को कहीं पे लेके गए और आजकल एक इशूज़ और देखने को मिल रहा है कि आप अपना पेट लेके जा रहे हो और वो किसी को काट रहा है, वो भी ये ओनर ही सिखा सकता है। ये कोई ट्रेनिंग का ऐसा वो नहीं है कि हमने इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ही चाहिए, जो कि हमारे माइंड में इमेज बना दी है कि मेलानॉइज ऐसा ही होता है कि जी हम बिना ट्रेनिंग के या बिना ट्रेनर के पास जाए तो मेलानॉइज रख ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास अपने पास टाइम है तो आप अपने पेट को टाइम दें, आप मेलानॉइज को बिल्कुल रख सकते हो, किसी तरह की इस डॉग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली चीज़ों में देखा गया है कि लोग मेलानॉइज खरीद लेते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में बैठी हुई है कि बस स्टार्टिंग में इसको काटना सिखाना है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग है और गार्ड डॉग के साथ साथ ये एक नेचुरल गार्ड डॉग है। आपको इसको काटना सिखाना नहीं है, वो चीज़ इसके ब्लड में होती है। अगर आप जिस तरह का काटना सिखाना और ये सब चीज़ें करते हो या जो ट्रेनिंग में हम देखते हैं, उन चीज़ों का रियल लाइफ में आप कितना यूज़ कर रहे हो। मेरा अपना मानना है कि मैं इतने सालों से ब्रीड कर रहा हूँ या इतने सालों से मैं भी डॉग देख रहा हूँ, इसमें लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा कि कोई क्या सोचता है। जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या जो मैं देखता हूँ, जो इतने सालों में देखा है मैंने। लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेलानॉइज लाया और इसको काटना सिखाओ। हम कहीं जाते हैं, हम ट्रेनर का कुत्ता देख लेते हैं कि ट्रेनर का कुत्ता आया दौड़ के और उसने बाइट सूट पे अटैक कर दिया या स्लीप्स पे अटैक कर दिया, काट लिया, फाड़ लिया, वो एक ट्रेनर है। हमारे साथ क्या होता है, जो एक नॉर्मल या जो कि क्लाइंट लेके जाते हैं, कितने लोग ट्रेनिंग कराते हैं अपने डॉग की। लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि वो ट्रेनरों को 50,000 या 1,00,000 रुपए ट्रेनिंग का दें। आज ट्रेनिंग बिल्कुल कमर्शियल हो गया और उनकी भी फैसिलिटी रन करने के लिए उनको भी पैसे चाहिए, तो उसमें मैं किसी को कोई ये ब्लेम नहीं कर रहा कोई क्या ले रहा, वो उनका अपना है, वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, और हमारी अगर चॉइस है तो भी हम उनको देते हैं जो उनको पैसे देते हैं और ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। बट आप ट्रेनिंग करा रहे हो, आप कितना हैंडल कर सकते हो उस डॉग को। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं डॉग के साथ, स्पेशली मेलानॉइज के साथ और बाकी ब्रीड्स के साथ भी होता है कि हम ट्रेनर को कुत्ता दे दें और ट्रेनर हमें मशीन की तरह इसको रेडी करके दे दे और वो एक मशीन की तरह काम करे, जो कि कभी करता नहीं है। मोस्टली केसेस में ये वीडियो अगर लोगों तक जाएगी ये वीडियो तो लोग देखेंगे, या काफ़ी लोग ऐसे भी देखेंगे जिन्होंने अपने डॉग्स की ट्रेनिंग कराई की है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि सबकी ये कंप्लेंट रहती है कि तब तक वो ट्रेनर के पास रहता है, डॉग काम करता है, फिर उसके बाद काम ही नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हम जाते हैं कहीं पे, डॉग को छोड़ देते हैं, वहाँ 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद हम डॉग को ले आते हैं और फिर कहते हैं जी ये डॉग तो काम ही नहीं कर रहा। हम खुद कितने इन्वॉल्व हुए उस डॉग के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेलानॉइज के लिए। मेलानॉइज अब क्या हो रहा है कि लोग पहले तो उनको उस लेवल का बना लेते हैं, काटना फाड़ना और ये सारी चीज़ें, और बाद में उससे तंग होते हैं, फिर उसको बिहेवियर करेक्शन करो, ये करो, जो कि कभी होता नहीं है।
और वो लाइफ टाइम उस डॉग से तंग रहते हैं, या तो वो किसी को दे देते हैं या फिर उन डॉग्स को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद अपने डॉग को टाइम दें, अपने ट्रेनर के साथ अपने डॉग को टाइम दें, ऐसे कहीं डॉग को ना छोड़ें। आपका ट्रेनर आपके पास आता है तो आप उसको कहें कि जी आप बताओ और हम ट्रेंड करेंगे, उसके साथ मिलके एक फैमिली की तरह उस डॉग को ट्रेंड करें, तब मुझे लगता है कि वो डॉग ज़्यादा अच्छा ट्रेंड होगा और आपका आपकी बात भी मानेगा और आपके काम भी करेगा। और आपको अगर उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उस तरह का डॉग चाहिए, काट दे फाड़ दे, या कहीं आप देखते हो कि इसको काट लिया उसको काट लिया, तो आप उस तरह के डॉग्स की ट्रेनिंग ना करें। वो एक ना आपको लाइफ में जाके एक वो बन जाएगा आपके लिए कि अब इसको कैरी ही करना, हमें आगे जो माइंड में उसके डॉग्स के है या जो चीज़ें हमने सिखा दी हम उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं। तो उन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें, डॉग्स को आप समझें क्या करना है। मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे इतने फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मेलनवा रखा हुआ और वो एक फैमिली डॉग की तरह उस डॉग को रखते हैं, गार्डिंग करता है नॉर्मल जिस तरह से डॉग गार्डिंग करते हैं, वो नेचुरल डॉग है, गार्डिंग उसके ब्लड के अंदर है, नेचुरल वो सारी चीज़ें करता है जो एक मेलनवा करना चाहिए। मगर उस तरह की चीज़ें कि बिल्कुल हम एक नेक्स्ट लेवल पर उसको लेके जाएँ और फिर उसके बाद हम थक जाएँ कुछ दिन, 2 महीने 4 महीने ट्रेनर्स को पैसे देने के बाद, फिर हम वो उसको कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम वाली चीज़ ही रहेगी। तो बेल्जियन मेलनवा एक बहुत अच्छी ब्रीड है, आप इसको अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, गार्डिंग के लिए, फार्म के लिए या घर के लिए, बट ये है कि आप थोड़ा सा टाइम इस डॉग को ज़रूर दें। और जो लोगों के मन में ये इमेज बैठी हुई है, लोगों ने ट्रेनर्स ने या लोगों ने बना दी है कि आप बिना ट्रेनिंग के रख ही नहीं सकते डॉग, या फिर आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को काटना ही सिखा रहे हैं, सिर्फ काटना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे काट ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो बड़े होके क्या करेंगे, चलो ट्रेनर तो संभाल लेगा उनको, ट्रेनर के पास उतनी चीज़ें हैं या उतना वो समझता है वो संभाल लेगा, पर आप क्या करोगे, आपके लिए तो वो प्रॉब्लम ही है आने वाले टाइम में। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, इस तरह की चीज़ें अपने डॉग्स को ना कराएं, अपने डॉग्स को खुद टाइम दें, खुद टाइम नहीं दे सकते तो थोड़ा सा ट्रेनर के साथ आप ज़रूर उसको टाइम दें, और बिल्कुल भी आप टाइम नहीं दे सकते तो बेटर है आप डॉग ना रखें, फिर वो आपके लिए नहीं है, डॉग्स को भी परेशान करना है और आपने खुद भी लाइफ टाइम तंग रहना है। तो बेटर आपके लिए ये है कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें अपने पेट्स के लिए, स्पेशली मेलनवाइज के साथ तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कभी या कोई भी देखेगा, एक बार गूगल आप लोग सर्च कीजिए, उसमें देखोगे कोई डॉग आपको दिखेगा तो वो उसी तरह का काट दिया फाड़ दिया या जंप कर रहा है ये कर रहा है, वही सारी चीज़ें करते हुए आपको दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेलनवा का कोई नॉर्मल वीडियोस, ऐसा नहीं है कि मेलनवा नॉर्मल नहीं होते, अब हर जगह थोड़ी ना फोर्सेज के साथ आप कि कहीं जाके इसको बिल्कुल प्रॉपर ही वो कराओगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मेलनवा पसंद है वो रखना चाहते हैं तो वो रखें सर, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग ही कराएं, खुद से भी उसको टाइम दें, एक्सरसाइज का जरूर उसका ध्यान रखें, बिना एक्सरसाइज के डॉग को ना रखें, एक्सरसाइज को जरूर कराएं, क्योंकि वो एक उस तरह की ब्रीड है कि उसको एक्सरसाइज की नीड बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ों का आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें, और हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर किसी को मेरी ये बात अगर बुरी लगती है तो मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, कोई इस तरह की मैं किसी के लिए कोई गलत चीज़ नहीं बोलना चाहता, चाहे कोई ट्रेनर है कुछ है, बट जो एक पेट के लिए अच्छा हो सकता है, डॉग के लिए अच्छा हो सकता है, मैंने वही चीज़ें इस वीडियो में बोली हैं कि जो आगे मेलनवाज या किसी भी वर्किंग डॉग्स या किसी भी डॉग का जो है फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि हर कोई डॉग रखना चाहता है मगर हर कोई ट्रेनिंग भी नहीं करा सकता, इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो खुद अपने डॉग्स को टाइम दें और ये सब चीज़ें करें अपने डॉग्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।